वेलकम बैक समाचारों में आगर बात करिए तो खेड़ा जिला ना ऊंढेला गाम की घटना सामे आवी छे। प्राथमिक शालाओं विद्यार्थी वगर सुनी ऊंढेला प्राथमिक शाला में 465 विद्यार्थी अभ्यास करे छे। शाला तमाम 13 शिक्षकों हाजर पर विद्यार्थी गैरहाजर। विद्यार्थियों ने स्कूल जवाबा डर लागे छे। नवरात्रि आठमे असामाजिक तत्वों द्वारा हुमलो कराता विद्यार्थियों में डरनो माहौल। विद्यार्थियों की गैरहाजरी बदल शाला डीओ ने रिपोर्ट मोकलशे। जे प्रश्न उपस्थित थया एना कारणे बाळकों में डर पैदा थई गयो होय एना माटे कदाच बाळको आया नथी पण एना माटे अमे 100% प्रयत्न करीशुं। अच्छा, तमारा द्वारा कोने रजूआत करवामां आवशे? अमारा द्वारा टीपीओ ने तो रजूआत करेली छे, हवे आगळ डीपीओ ने अमे रजूआत करीशुं एनी माटे। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा खेड़ा जिल्लानी मुलाकाती। बीएल वर्माए अरविंद केजरीवाल पर प्रहार कर्या। केजरीवाल ने जूठाओना सरदार गणाव्या। गुजरात में तीजी के चौथी पार्टी नु कोई काम नहीं। उत्तर प्रदेश चूंटणी समय आप नेताओं की जमानत जप्त थई हती। भाजप 150 करता वधु बैठक पर विजय मेळवशे तेवो पण आशावाद व्यक्त कर्यो। किसी पार्टी चौथी पार्टी कोई आने को आ सकता है, लेकिन वो खाली नाम के लिए आ सकते हैं। जिस पार्टी की चर्चा आप कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में भी ऐसी चर्चा कर रहे थे कि हम जाएंगे, और उन्होंने 403 विधानसभाएं हैं, अधिकांश सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए, लेकिन किसी विधानसभा में उनकी जमानत भी नहीं बची। उसी प्रकार से गुजरात के लोग यूपी के लोगों से ज्यादा तेज हैं। मुझे लगता है कि अगर वो आएंगे आकर के जब सामने जब चुनाव के परिणाम सामने आएंगे तो जो खड़े करेंगे उनकी किसी की जमानत बचने वाली नहीं। लेकिन सर, यहाँ पे वो लोग पंजाब और दिल्ली की तरह मुफ्त बिजली की बातें कर रहे हैं, गारंटी कार्ड दे रहे हैं। देखिए, मैं कहूंगा कि झूठ बोलने की सीमाएं होती हैं, लेकिन ये झूठ बोलने का काम पूरी तरह से करते हैं, और झूठों के सरदार के रूप में जो है जिसकी बात कर रहे हैं उनके नेता हैं, और चूंकि जनता सब जानती है, और अन्य हजारे से पूछ लीजिए जो उनके गुरु हैं वो बता देंगे, उन्होंने बोला भी है, तब मैं कह सकता हूँ कि वो कुछ भी बोलेंगे तो गुजरात की जनता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है।